नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अब की बार वेतनावली ऑनलाइन ही भरी जानी है। हर बार आप ऑफलाइन भरते थे और 21 तक जमा कर देते थे जाकर BRC पर, लेकिन अब की बार EHRMS जो वेबसाइट है वहीं से आपको अपनी अटेंडेंस फिल करनी है। तो जो भी शिक्षक वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन कैसे दर्ज करानी है, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 21 से 25 के बीच में यह कार्य आपको पूर्ण कर लेना है। तो और इस दूसरी प्रमुख बात यह है कि जो आंगनबाड़ी या जो शिक्षा मित्र हैं उनके बारे में जिस प्रकार से पहले प्रक्रिया होती थी वो वही प्रक्रिया रहेगी। सिर्फ सहायक अध्यापक जो हैं उन्हें ही अब की बार से ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस देनी है। कुछ शिक्षक पूछ रहे थे कि विद्यालय जाना पड़ेगा, तो विद्यालय फिलहाल अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यह कार्य आप ऑनलाइन ही कर लीजिए, वेतनावली आपकी तैयार हो जाएगी। इसके लिए आप गूगल में ये EHRMS लिख कर सर्च कर दीजिए, और जैसे ही EHRMS लिख के सर्च करेंगे मानव संपदा की वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं EHRMS लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है। आपने अपना मानव संपदा फॉर्म फिलअप करवाया होगा, उस दौरान आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया गया होगा, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ आप यहां पर करेंगे। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए आप लॉगिन करेंगे, ये कैप्चा नीचे रखते हुए आप लॉगिन करेंगे, और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आगे का क्या इंटरफेस खुलेगा देखिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आपका आएगा। और इसमें आप पेरोल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पेरोल लिख रहा है, और पेरोल पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे एक मिनट। और जैसे ही पेरोल पर क्लिक कर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बेसिक एजुकेशन पेरोल पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास आएगा। बेसिक एजुकेशन पर आप जाएंगे, और बेसिक एजुकेशन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। अटेंडेंस पर आप वापस यहाँ क्लिक करेंगे, और अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद आप आगे जाएंगे और यहाँ से फिर फिल अटेंडेंस करेंगे, अपनी अटेंडेंस फिल करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, कितने अगर आपने कोई छुट्टी लिया है तो वो भी दर्ज करेंगे, कितने तारीख से कितने तारीख तक। ठीक, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप आगे दर्शाएंगे। और अगर यहाँ पर देखिए, जैसे टीचर यहाँ पर आगे नाम वगैरह लिखा हुआ, ऐड या एडिट अटेंडेंस, तो यहाँ से आप ऐड कर देंगे अपनी अटेंडेंस। अगर सारे दिन प्रेजेंट है तो वहाँ पर आप लिखेंगे ऑल डे प्रेजेंट, ऑप्शन आएगा आपको। और अगर छुट्टी लिया किसी कारणवश तो उसको भी आपको वहाँ पर उसका जिक्र करना है। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पर एक खुला हुआ है, और इसके बाद खुलने के बाद अभी आप भर लेंगे तो आगे आपका फिर लॉक का ऑप्शन आएगा, आप उसको लॉक करेंगे। ठीक है, जैसे ये भर लेंगे जब, तो यहाँ देखिए लॉक अटेंडेंस डाटा आ रहा है, तो लॉक कर देंगे तो यहीं से आपका वेतनावली ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। आप सभी, आप सहायक अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी कोई भी हैं, और कोई भी एक मतलब शिक्षक ये सभी लोगों का भर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रधानाध्यापक ये कार्य करे। आप अगर सहायक अध्यापक हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूर से इस कार्य को आप पूर्ण कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।